बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अब्दुल्ला फूड्स में आज हम बना रहे हैं फ्राइड मटन चॉप्स। हमने मटन की चॉप्स ली हैं। सबसे पहले हम इसमें शामिल कर रहे हैं नींबू का रस और ये प्याज का पानी, 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, अब हम इसमें शामिल कर लेंगे मटन चॉप्स। इसको हमने मिक्सअप कर लिया। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। बिल्कुल लाइट उस पर हम इसको स्टर फ्राइड करेंगे। चॉप्स स्टर फ्राइड हो चुकी हैं। अब हम इसमें जो मेन स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 3 चम्मच दही के, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक का, इसको कर लेंगे मिक्सअप। मिक्स ये स्टफ हम इसमें चॉप्स पे लगा देंगे। अब ये मिक्स स्पाइसेस का जो स्टफ़ है शामिल कर रहे हैं हम चॉप्स पे और उसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप हो चुकी है। अब इसका फ्राई का जो प्रोसेस है वो करेंगे। एक हमने अंडा लिया है, अंडे में हम शामिल करेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और उसको कर लेंगे मिक्सअप। लास्ट में 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें शामिल कर रहे हैं बारबेक्यू सॉस, इसको टेस्ट को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए। और ये अंडे का मिक्स स्टफ इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। और कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिया, अब इसको करेंगे फ्राई। ज़्यादा आँच पे फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट फ्राई करना है वरना इसका कलर जो है वो जल जाएगा। बिल्कुल लाइट फ्राई करेंगे इसको, क्योंकि चॉप्स हमारी पहले ही टेंडर हो चुकी थी, हमने इनको स्टिर फ्राइड किया था 15 से 20 मिनट, और अब इसको फ्राई करेंगे हम 5 से 10 मिनट तक। एक बात आप लोग याद रखेंगे कि इसकी मैरिनेशन एटलीस्ट 1 आवर होनी चाहिए, फिर इसका अच्छा टेस्ट आएगा, वरना अदरवाइज वो टेस्ट नहीं डेवलप होगा। चॉप्स देखें गोल्डन फ्राइड हो गए माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी और मज़े की खुशबू आ रही है। ये चॉप्स की रेसिपी आप डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं, शाम में इवनिंग स्नैक्स के पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आप लोग चाहें। चॉप्स हमारी रेडी हैं, हमने सर्व किया है इसको बारबेक्यू सॉस और चिली गार्लिक सॉस के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, फिर हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।